पार्किंग ना लगानी, अरे पार्किंग ना लगानी। सामने किया वाले की लड़ाई हो गई इक्को वाला थे। और भाई हाँ मैं फिलहाल 946 मीटर की ऊंचाई पे। अब यहाँ से निकलते हैं, निकलने का टाइम आ गया। क्लिप वगैरह सारी चीज ले ली, पर अब मेरे हिसाब से ना दिक्कत होने वाली है क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा ठंडा, हवा चल रही है, सो बारिश भी आएगी जितना मेरे को लगता है। तो भाई कोई नहीं, अब आएगी तो देखेंगे कहीं रुकेंगे, क्योंकि बारिश में तो अब चला नहीं सकता, गोप्रो भीग जाएगा। चल भाई बैठ मनीष, बाइक गंदी हो रही थी वैसे, कल रात को ना बारिश आई थी बहुत तेज, डूब गई थी जब। लो भाई यहाँ से निकल लिए, अब चलते हैं डायरेक्ट नीलकंठ की साइड। सो रिवर राफ्टिंग का व्लॉग देख के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और नज़ारा देखो एक नंबर। सो फिलहाल जल्दी से फटाफट रोड पे चलते हैं, और यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर के आसपास है नीलकंठ, तो नीलकंठ चलते हैं और वहाँ से घर के लिए गंगा जल भी लेके जाना है। तू भी लेके चला गो ना रे मनीष घर खातर है, हाँ तो वहाँ से भाई गंगा जल लेके फिर अपने घर की साइड चलेंगे। तो फिलहाल तो नीलकंठ चलते हैं। थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी जब कैंप में थे, और भाई अब मौसम हो रहा है ठंडा, अब देखते हैं बारिश होती है नहीं होती। सो भाई ये जो आगे देख रहे हो ना, ये इंडिया की सबसे बड़ी जगह है, ये है सबसे बड़ी बंजी जंपिंग इंडिया की अब तक। और बाकी यहाँ पे ही होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे इस साइड देखोगे ना, तो एक सेकंड अभी दिखाता हूँ, हाँ इस साइड देखोगे ना वो आपको दिख रही होगी, ये दो चार ये, और ऐसे यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। सो अब आ गए हम मेन रोड पे, और यहाँ से है नीलकंठ का रास्ता। ये देखो भाई सामने पर्पल पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, एक पेड़, और बारिश की बूंदें आ रही है, अगर आपको दिख रहा हो ना ये पानी में एक एक दो दो बूंद आ रही है अभी तो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तेज आएगी तब कहीं रोकना पड़ेगा। और रास्ता देखियो रे किस साइड से नीलकंठ का, गूगल मैप खोल ले भाई तो पूछ लेना भाई, नीलकंठ का रास्ता किस साइड से, हाँ भाई कौन सा रास्ता है ना, अच्छा अच्छा चलो ठीक भाई धन्यवाद। भाई कह रहे हैं नीलकंठ का रास्ता छोड़ दिया पीछे, कहाँ से, अच्छा ठीक भाई जिस रास्ते पे जा रहे थे भाई वो है केदारनाथ का रास्ता। सो यहाँ से नीलकंठ का रास्ता भाई कह रहे पीछे की साइड है। अगर भाई मौसम ऐसा ही हो ना बिल्कुल, तो भगवान कसम इतने मज़े आ जाएंगे बाइक चलाने में, अभी इतने मज़े आ रहे हैं, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी मौसम एक नंबर का हो रखा। रास्ता देखो ये पहाड़ पे भी कितना प्यारा रास्ता बना रखा है, धचकी नहीं है, और भाई रास्ते बिल्कुल प्रॉपर है बढ़िया। सर नीलकंठ का रास्ता यहाँ से ठीक, व्यू देखो भाई गंगा, यहाँ से हमने राफ्टिंग करी थी, जिसने राफ्टिंग वाला व्लॉग नहीं देखा इससे पिछला है भाई देख लो, और इतने तेज़ तेज वो आते हैं ना व्यूज़, मतलब और व्यूज़ के ना नाम रख रखे प्रॉपर कि ये कौन सी जगह है ये कौन सी। सो भाई बहुत मज़ा आए थे राफ्टिंग करने में। हाँ भाई पार्किंग ना लगानी, अरे पार्किंग ना लगानी, अच्छा एंट्री की है, देनी पड़ेगी और सब ने खुला ला भाई आती बढ़िया जो दिखानी है एक ये तो हम तो तुमने की कौन करने वाली तो 40 रुपए देते तुम लोग 40 के आगे अरे एक ही दोनों के बीच 40 रुपए देते हम तो देंगे ला भाई क्या नाम की है छोटा पकड़िए बताऊं भाई मैं तो बता दे हां तो बता क्या नाम की हम ले लेंगे पर्ची जिला पंचायत रोडी हैं पर खत्म के आदमी रह गए कोई यहां पे ला भाई दिखा साइड तो ही सो भाई नीलकंठ जाने के लिए यहाँ पे कटेगी पर्ची बाइक वगैरह की 20 की और गाड़ी की मेरे हिसाब से 50 की होगी। और यहाँ से नीचे का व्यू देखो, ये देखो ये राफ्टिंग करने लग रहे बंदे, छट ये यहाँ से पानी आ रहे पहाड़ों पे से, और भाई सामने से वीडियो बन रही है जो इस 120 बैठी है ना वो हमारी वीडियो बनाने लग रही है, ये तो मेरी पूरी फिल्म शूट कर रहा है आगत है। चलो बाइक तो जाम मत बच रही है,
तो आगे है किस चीज को जाम, या तो लैंडस्लाइड हुई होगी भाई। ओहो आगे वो ट्रक है ना, ट्रक है वो आगे, उस वजह से जाम लग रहे हैं। उस ट्रक का जाम है भाई, हमने बचा लिए कम से कम अपनी 15 मिनट, यहाँ से बच रहेगा कुछ 6 या 7 किलोमीटर नीलकंठ, और बाकी नेट मतलब यहाँ चल नहीं रहा तो गूगल मैप काम नहीं आ रहा। फिलहाल तो इसी रोड पे जा रहे हैं, इसी रोड पे सीधा सीधा, बाकी कहीं से 2-3 रोड मुड़ेंगे तो वहाँ पूछ लेंगे किसी से। गाइस व्यू दिखाऊं भाई साहब, ये देखो बिल्कुल मतलब ऊंचाई पे आ गए, पहाड़ भी खत्म होने वाले हैं मेरे हिसाब से, मंदिर बस आने वाला होगा। भाई सामने किया वाले की लड़ाई हो गई, एक वाला थे भिड़ रही है गाड़ी बिल्कुल, दिखाऊं। अरे यार गाज जाओ तो हम चल जाओ यार, एक सेकंड। ऊंचाई देख छोटा यहाँ थे कितने इतने ही ना बेरो लग रहा, हाँ स्क्रैच तो पड़ गई। फाइनली मंदिर के पास पहुँच गए, अब देखते हैं यहाँ से कितनी दूर और बची है मंदिर। तो भाई अब करते हैं यहाँ कहीं आसपास खड़ी अपनी बाइक को और फिर चलते हैं पैदल पैदल मंदिर, यहाँ से लगभग ये लगा लो पास। ओ भाई छोटू से पिल्ले हट जाओ, ले यहीं लगा ला छोटा प्रसाद ले लो। सो चलो जी यहाँ लगा लो, चप्पल कुत्ता वगैरह भी काट दिया और बस एक हेलमेट, हेलमेट मैं रात में जो बैग वगैरह तो मैं दुकान पर रखी आयो कह के यार, चश्मा ना मैं बैग में, बाल नहीं इग्नोर कर रही हूँ, बाल थोड़ा सही हो रहे हैं। और बाइक के क्या है अब अपने चलो दर्शन करा और थारा करवाओ गैल गैल। से आगे भाई और अब फिलहाल वहाँ चलेंगे जहाँ से झरना स्टार्ट होता है गंगा मैया, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है। फिलहाल मनीष ने भाई अपनी गर्मी भी सियाह मांग ली और चला, चलो अब चला आप झरना दिखाओ। सो भाई ये है वो झरना, दिखाऊंगी चलो वो रहा। और भाई हाँ मैं फिलहाल 946 मीटर की ऊँचाई पे, अब फिलहाल सिकंजी पी रहा, अभी यहीं यहाँ हम नीलकंठ मैया और यहाँ पे पूरा नज़ारो, जो ऊपर गाँव बस रहे शायद यहाँ पे है ना भाई, ये ऊपर पूरा गांव बस रहे। हाँ, हाँ। नीलकंठ ही मतलब नीलकंठ नीचे में तोली गांव है क्या, डोली तोली 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 गांव भाई ऊपर दो। तो फिलहाल अपने सिकंजी पीला और फिर चला नीचे और फिर चलांगा अपने घर, देखांगा आज कितनी रुका या डायरेक्ट डायरेक्ट तार दूंगा, आज घर ही तार दूंगा डायरेक्ट नॉन स्टॉप। क्या की पन्नी अब भाई का नहीं है, प्रसाद तो भूल ही गया था भाई, भाई तो पन्नी ली थी। एक सेकंड, हाँ तो भाई वापिस भेज दे तो प्रसाद, भाई सोच रहा तो भूलगा। हाँ सो चलो भाई यहाँ तो अपने चलो, जो भाई अंदर ही ला रहा तो गाड़ी, भाई गाड़ी अलाउड नहीं है अंदर। फिलहाल ए जगह रुका है मनीष वगैरह, फोटो खींच दो एक्यूरे, फोटो खींचांगा पूरा, तो ऊंचाई दिखाऊं कितनी है, बैक कैमरा पूरी है। यो खड़ी भाई अपनी रानी, यो योरो, और यहाँ पे व्यू देखो, यो देखो हम कितनी ऊंचाई पे। हाँ तेरा रिश्तेदार तो भाई मनीष का पूर्वज देख लो, रहने दे इन्हें भड़कावा मना रहे इन्हें, ऐसा बटको भरेगा याद रखा वो। लो जी पहाड़ पे से लगभग तो नीचे उतर ही लिए और साइड में ये रही गंगा नदी और ये करने लग रहे राफ्टिंग। तो याद हो तो जाते टाइम यहाँ से 20 रुपये की टिकट कटी थी, और लो जी अब नीलकंठ से तो उतर लिए, मतलब पहाड़ों से उतर ही लिए लगभग। और बाकी ये देखो कितनी सारी बोट है इस गंगा नदी में, सब रिवर राफ्टिंग करने के लिए आ रखे, इस साइड भी बोट ही बोट दिखेगी।
और ये ना सीजन चल रहा है अभी तो थोड़ा महंगा है इस साइड फिलहाल के टाइम में। अब ये 2-3-5 महीने थोड़ा महंगा ही रहेगा यहाँ का प्राइस हर चीज का, राफ्टिंग वगैरह का भी, होटल वगैरह का भी, हर चीज का थोड़ा बहुत महंगा ही रहेगा वो। फाइनली अपनी बाइक इस ट्रिप में अभी तक चल चुकी है भाई 403 किलोमीटर, और अभी से तो घर भी जाना है तो करीब पता नहीं अभी से देखेंगे, फाइनल देखेंगे कितने किलोमीटर चलेगी। सो 400 किलोमीटर तो हो गई कंप्लीट भाई। यहाँ से ना एक नीर झरना भी जाता है ये रहा, और भाई कह रहा था देखने की चीज़ है, एक बार मनीष से पूछता हूँ चलेगा इस साइड या नहीं। तारी और जो हमारा वो था ना जो राफ्टिंग करवा रहा था वो कह रहा था भाई देख लेना, मतलब देखने लायक जगह है बढ़िया। सो चलते हैं भाई इस साइड और देख के आते हैं कैसा सीन है। लो 500 मीटर तक जमे जमे। अच्छा